Welcome back to our channel. So we are going to start chapter 2 in 11 physics, that is motion in a straight line. So इस chapter में क्या है कि हम motion के बारे में बात करने वाले हैं. What is motion? तो motion से related कुछ terms हैं वो हम देख लेते हैं. जैसे कि सबसे पहला जो word है वो है rest. यानी हम कब किसी object को क्या बोलेंगे, rest में बोलेंगे. जो an object that does not change its position. हम यहाँ पर क्या motion की बात करेंगे, तो motion में अगर उसकी position ही change नहीं हो रही है तो वो किस में हो जाएगा, rest में हो जाएगा. तो its position with time, तो time के respect में सारे काम किसके respect में, time के respect में. अगर कोई भी object अगर हम time note कर रहे हैं वो यहीं पर stable रखा हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ है, rest पर है. फिर है motion, तो an object that change its position with time. तो मैंने एक object को थोड़ी देर पहले यहाँ ऑब्जर्व किया, अगर थोड़ी देर बाद है 2 सेकंड बाद में अगर इसको मैं चेक करती हूँ तो मुझे यहाँ शो हो रहा है, यानी क्या हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. तो पोजीशन चेंज हुई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वी कॉल्ड मोशन. अब पहली चीज आती है डिस्टेंस. इसके अंदर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन. यानी बिना डायरेक्शन के, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, जो उसका मूवमेंट, टोटल मूवमेंट जो कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो होगा उसका डिस्टेंस. और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिन जो क्या बताती है, सिर्फ नंबर बताती है कि उन्होंने कितना मूव किया है, वो कितना चले हैं, वो डायरेक्शन नहीं शो करती. स्केलर का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड. तो डिस्टेंस क्या शो करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है. यानी ये क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. तो डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती. सिंपल चीज, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो क्या करेगा वो, या तो नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है तो जीरो रहेगा, और अगर ट्रेवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगा, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव या जीरो. अब इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, और इसको हम स्पीड, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं बाय ऑडोमीटर. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, ये हो जाएगा एल और 1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है. सेम अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन में चेंज आ रहा है उसको हम बोल रहे डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये फिगर है, फिगर में अब ये हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ठीक है, अब जैसे ये शेप है, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके, जो डिस्टेंस रखा है इस तरीके से मूव करके, कहीं से मूव करके ये इसकी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया. अब जितना जिस भी रास्ते से घूम के आया वो तो हो गया इसकी डिस्टेंस. बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या हो जाएगा, ये थी इसकी इनिशियल पोजिशन और ये थी इसकी फाइनल पोजिशन. तो इसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करेगी, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी. जैसे सपोज एक एग्जाम्पल और लूं मैं, किसी पर्सन ने चलना स्टार्ट किया, वो नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उसने राइट लिया. ठीक है, अब राइट लेके वो यहाँ पहुंच तो गया. अब इसने टोटल जैसे यहाँ जाने में डिस्टेंस ट्रेवल की 1 और यहाँ जाने में की डिस्टेंस ट्रेवल 2, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल तो होगी 3, 1 + 2 = 3. बट जो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, हम इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस है यानी जो इस, अगर ये 90 डिग्री है, इसका जो क्या है हाइपोटेनियस है वो क्या शो करेगा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा. तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नीट्यूड तो बताएगा कि, बट ये क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा कि किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में हो सकती है, फाइनल पोजीशन की रेस्पेक्ट में हो सकती है. तो डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है. और जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनको हम वेक्टर से शो करते हैं. जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसको मैं डिस्टेंस को सपोज मैं एक्स से लिख रही हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स से ही लिखेंगे, बट इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर. वेक्टर लगाने का मतलब है अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, ना कि डिस्टेंस को. यानी अब हम इसको इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं. फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. तो ये जो नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव क्यों हो रही, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर जैसे मैंने यहाँ इस पोजिशन के रेस्पेक्ट में चेक किया, तो अब अगर वो इधर गया राइट में, तो वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफरेंस हो सकता है, या वो नेगेटिव भी हो सकता है कि सपोज वो जाके वापस आ गया
ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच डिस्टेंस अगर मतलब डिफरेंस निकालेंगे हम, यानी पहले तो चला वो ज्यादा, फिर बाद में चला वो कम, तो इनिशियल और फाइनल का जो बीच का डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर ही रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्टेंस को शो करता है बट विद डायरेक्शन, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा यानी L1। अब नेक्स्ट जो है वो है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, यानी यहाँ बिना डायरेक्शन के बात कर रहे हैं हम। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेंज ऑफ पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में अगर चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे। तो इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या है, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन, इट मीन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे मीटर और टाइम के लिए यूज करेंगे सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसके अंदर मास प्रेजेंट है यानी एम वन आ जाएगा, क्योंकि एम ऊपर है और नीचे है, सॉरी एम नहीं, ये आएगा एल, क्योंकि एम किसके लिए होता है वहां पर, मास के लिए, और यहाँ पर एम क्या है, मीटर है। ठीक है, ये एम जीरो एल वन और टी माइनस वन, क्योंकि एम क्या है, मास को शो करता है और एल लेंथ को और टी टाइम को, और यहाँ मीटर पर सेकेंड जो होता है उसमें जो स्मॉल एम है वो डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। इसके अंदर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो लेंथ वन हो गई, और टाइम जो है वो नीचे है पर सेकेंड है, तो जो टाइम है वो माइनस वन हो जाएगा। उसको मेजर करते हैं हम स्पीडोमीटर के थ्रू। आपने देखा भी होगा कि जो आपकी बाइक वगैरह होती है या कार वगैरह होती है, तो इनके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर प्लस ऑडोमीटर दोनों लगे होते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है ये क्या बता रहा है, सिर्फ उसकी स्पीड बता रहा है, ये नहीं बता रहा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बता रहा है सिर्फ आपकी कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। तो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को मेजर करने के लिए, और ये साथ में जो नीचे नंबर दिखाता है 9830 दिखा रहा है, ये क्या है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या कर रहा है, ये बताता है कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो, टोटल कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं, पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कि मैंने फर्स्ट 1 सेकेंड में क्या की, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, सेकेंड वापस 1 सेकेंड में मैंने वापस 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, वापस 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। फिर वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल कब होगी, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इन वेरिएबल स्पीड। अब एक टर्म और आती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब यूज करते हैं हम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे कि हमारी जो बाइक वगैरह होती है या जो भी आपकी कार वगैरह है, उनके अंदर भी एवरेज स्पीड का ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम हर टाइम में क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल, मतलब इंटरवल को तो हम इक्वल ही लेते हैं, बट डिस्टेंस क्या होती है, अनइक्वल होती है। क्यों, क्योंकि हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, कम और ज्यादा करते रहते हैं। तो जब भी वेरिएबल स्पीड की बात होगी तो वहां क्या आएगी, एवरेज स्पीड को हम काउंट करेंगे। तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी हम सिंपल लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आप आगे देखेंगे ये वर्ड बहुत बार, इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट पर, किसी 1 सेकंड पर, किसी छोटे से मोमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करें, सिर्फ छोटे से मोमेंट के लिए। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कोई भी छोटा सा पॉइंट, जैसे मैंने बस इसी पॉइंट पर मेजर कर ली, यानी मतलब चल रहे थे चलते चलते मुझे सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगा और मैंने क्या कर दिया, उस चीज को मेजर किया, उस चीज पे मुझे मेजर करना था उसे, वो क्या होगी इंस्टेंट। तो इंस्टेंट ऑफ अ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो ये हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं, जब जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, यानी मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में हम उसको काउंट करते हैं। टाइम इंटरवल क्या है, बहुत कम है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। या टाइम हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी इक्वल्स टू, ये इसको पढ़ते हैं हम डेल्टा, जो ट्राइंगल है इसको पढ़ते हैं डेल्टा या डेल, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा बता रहा है डिफरेंस। वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस डिफरेंस इन स्पीड, यानी चेंज इन स्पीड, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो वो ऊपर शो कर रहा है चेंज को और नीचे शो कर रहा है चेंज इन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस जब भी बात होगी तो क्या है, हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी जो टाइम इंटरवल है या जो इंटरवल है वो बहुत हम छोटा ले रहे हैं। और जब भी ये इंटरवल छोटा होता है तो हम इस डेल को किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी से, डीएक्स बाय डीटी। तो डीएक्स बाय डीटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अभी डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हम आगे क्लास में सीखेंगे। अब नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अभी तक हमने चेंज ऑफ पोजिशन देखा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो था स्पीड। अब इसमें ही हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इन अ गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वही वहां तो क्या था, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वहां था डिस्टेंस, डिस्टेंस थी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर को हम वेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी उनके ऊपर लगाना होता है हमें वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्स के ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया वेक्टर और नीचे लगा दिया टी। तो वी वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर अपॉन टी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट, अब इसके पास क्या है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अब जैसे डिस्प्लेसमेंट में था वो भी उसके पास मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ये भी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, बट स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी एसआई यूनिट सेम स्पीड की तरह मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और डायमेंशन फॉर्मूला सेम L1 t -1 रहेगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं। पहली टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब, जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करे। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगी। वेरिएबल जब क्या करे, या तो वो मोशन में क्या कर ले, अपनी स्पीड चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, या तो स्पीड में चेंज आए या फिर किस में चेंज आए, मोशन जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज आ जाए, या दोनों भी चेंज आ जाए, तो उसे बोलेंगे हम वेरिएबल वेलोसिटी। अब जब वेरिएबल वेलोसिटी की बात होगी तो उसी के साथ एसोसिएट होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला टोटल डिस्टेंस, स्पीड एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम एक्स के ऊपर क्या लगा दें, वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो ऊपर हमने शो कर दिया डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और नीचे शो कर दिया टाइम में डिफरेंस, ये हो गया बी ए बी, और भी इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर मैं वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो ये डेल्टा एक्स बार अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्या शो करेगा, यहाँ पर डिफरेंस को शो करता है। फिर तीसरा जो है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंट यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये यानी तो टाइम इंटरवल वो बहुत क्या होगा, छोटा होगा, तो जब भी टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है डेल्टा को हम डी से रिप्लेस कर देते, ये हो जाएगा डीएक्स बाय डी टी। ठीक है, डी डी क्या है, यहाँ पर डेरिवेटिव है। अब है एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन क्या है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी के बारे में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम कि हम टाइम के साथ में उसके वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, ये कौन बताता है? हमेशा एक्सेलरेशन बताता है। अब एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में किसका यूज किया? वेलोसिटी का। और वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज द सेम डायरेक्शन एज द चेंज इन वेलोसिटी। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगी वो भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। अब इसका जो SI यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है L/T-2। अब इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है। पहली जो टर्म है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे वो इक्वल एक्सेलरेशन को, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज है वो सेम रहे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट भी चेंज करे, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। और टाइम इंटरवल क्या हो सकता है? कोई छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की भी बात हो सकती है। तो सेम मतलब मेन चीज क्या है यहाँ पर? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो, सेम वेलोसिटी में चेंजेस आए तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल में क्या होगा? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या वेलोसिटी में क्या हो जाए? वेलोसिटी में क्या है? अनइक्वल चेंज है। सो एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी चेंज बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल यहाँ पर आएगा अनइक्वल। अनइक्वल अमाउंट में क्या करे वो चेंज करे तब हो जाएगा वो वेरिएबल। अब जहाँ वेरिएबल है वहां सेम क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या होगा? वही ऊपर द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर लिखा चेंज इन वेलोसिटी और नीचे लिखा चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल जो भी हमने लिखा है यहाँ पर। यहाँ आएगा एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ आएगा ए, और ए के ऊपर भी क्या आएगा? वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ए बी का मतलब है एवरेज, ऊपर जो आएगा चेंज इन वेलोसिटी में जाएगा चेंज इन टाइम। और जब भी चेंज की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? डेल्टा लिख सकते, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, यानी डेल्टा डेल्टा को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? डी से। और अब ये जो बी था, इस बी की जगह हम dx बाय dt लिख सकते हैं, और इसमें वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये x क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है? वेलोसिटी का तो डेरिवेटिव होता है सिंगल डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। सिंगल का मतलब फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करें तो वो क्या होता है? इसका सेकेंड डेरिवेटिव होता है। एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जो है वो बताता है कि हमने बोला कि वो बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेशन के थ्रू पता लगता है। तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। टाइम तो इंक्रीज होगा ही सही, एक्सेलरेशन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम पर। टाइम तो हमेशा बढ़ ही रहा है, टाइम तो डिक्रीज हो नहीं रहा, तो क्या है? सिर्फ वेलोसिटी बचा। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम जो बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जैसे स्पीड बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, यानी हमारी जो बाइक है वो और तेज मूव कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जब क्या हो रही है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी हम जब क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। और बाइक के अंदर अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। वेलोसिटी का मतलब स्पीड कम हो रही है, तो इसे बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसको और क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन वर्ड भी यूज करते हैं, या डिक्लेरेशन भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो जहां पर भी रिटार्डेशन वर्ड आ जाए इट मीन वहां पर क्या यूज करते हैं हम? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है? रुकने वाला है थोड़ी देर बाद में। अब जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ भी होते हैं, और ये ग्राफ जो है ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो है पोजिशन टाइम ग्राफ। तो पहले उसमें है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की। स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है,
तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पर टाइम को लेते हैं और पोजीशन या फिर और भी कोई जिसके टाइम के साथ में अगर किसी का ग्राफ ले रहे हैं हम, तो टाइम तो आएगा हमारा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अदर एलिमेंट जो भी है जिसके साथ इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पर आएगा। जब पोजिशन के साथ ले रहे हैं तो पोजिशन आ गया हमारा वाई एक्सिस पर। फिर वाई एक्सिस पर आने के बाद में अब हमने बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी है, यानी वो अभी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है यानी तो ये जो ग्राफ है ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है ये क्या शो कर रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या बोले कि टाइम वाली जो लाइन है उसके पैरेलल हो गई। ये टाइम तो बढ़ रहा है, क्या दिखा रहा है, मैं इससे लेफ्ट से राइट साइड में जाऊं तो ये बता रहा है टाइम तो बढ़ रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, डेस्क पर है, यानी एक ही जो ऑब्जेक्ट ये जो ग्राफ है, सपोज ये बोलूंगी 4 पर है, एक्स इक्वल टू 4 डिस्टेंस पर रखा है, तो ये 4 पर ही है, पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, डेस्क पर रखा हुआ है। फिर जो दूसरा ग्राफ है वो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कि अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करे। तो यहाँ पर सेम नीचे तो टाइम लिया और यहाँ पर एक्स लिया, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके पास क्या रहेगी, पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रहेगी उसके पास में, तो ये एक्स नॉट जो है वो शो कर रहा है जो स्टार्टिंग में उसके पास डिस्टेंस थी, यानी जितनी डिस्टेंस से हमने उसने मूव करना शुरू किया। फिर तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम जो टाइम कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, टी की तरफ आगे भी जा रहा है, तो टाइम भी इंक्रीमेंट हो रहा है, डिस्टेंस पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन आती है इस तरीके से तो वो क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। तो अब इसमें जब भी हमें क्या निकालना होता है, इसमें वेलोसिटी निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं जिन पॉइंट के लिए हमें वेलोसिटी को निकालना है। तो कोई भी दो पॉइंट हम लेंगे और उनसे क्या लेंगे, उस जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों एक्सिस पर, एक्स वाली और टी वाली एक्सिस पर, और दूसरा पॉइंट ये था तो इस पर भी सेम करेंगे और इन लाइंस को क्या करेंगे पीछे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री दिख रहा है और ये एंगल क्या रहेगा, थीटा। तो जो थीटा एंगल है इसी पर बेस्ड हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ये जो इनका पोजिशन टाइम ग्राफ है इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो क्या शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। कैसे, कि अगर मैं टेन थीटा निकालू तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए अगर मैं इसको नाम दू ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल के लिए ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा, अब ए बी क्या है, चेंज इन पोजिशन हम देखेंगे, ऊपर ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्स टू पोजिशन पर, और बी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स वन पोजिशन पर है। सीधे इसको हम एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे तो कहाँ पर आ रहा है, एक्स 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 वन पर आ रहा है। तो ये क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन। और ऐसे ही बी सी के लिए देखेंगे तो बी को नीचे मिलाए तो टी टू पर शो कर रहा है, और सी को नीचे मिलाए तो टी वन पर शो कर रहा है, टी टू माइनस टी वन। अगर हम बी सी की डिस्टेंस निकालें तो वो हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। तो हमने वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिला, टेन टेन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन बी टू माइनस टी वन। अब ऊपर क्या दिखा रहा है, चेंज इन पोजीशन, नीचे दिखा रहा है चेंज इन टाइम। ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम, ये होता है हमारी वेलोसिटी। तो जब भी अगर कोई यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, वेलोसिटी को शो करता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको कोई ग्राफ गिवन होता है, आप वो ग्राफ को देखकर आपको क्या बताना होता है, आपको वेलोसिटी पूछ सकता है, या फिर आपसे टाइम पूछ सकता है, या फिर आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है। तो इसमें कि जब भी आपको इस तरीके के ग्राफ गिवन है तो हम उसके स्लोप फाइंड करके क्या पता लगा सकते हैं, उसके लिए वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, वो इक्वल वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर भी सेम, अब पहले था हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल क्या कर रहा था, वो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड यानी स्पीड भी बढ़ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है टाइम के साथ में, टाइम जो टाइम है टाइम के साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें। तो ये कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला है, एक्सेलरेटेड तो है ही सही। अब क्या करना है,
इसके पास फिर स्टार्टिंग में कोई ना कोई तो क्या होगी, डिस्टेंस सही होगी। सेम इसके लिए भी क्या निकालेंगे हम, कोई भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट के लिए क्या कंसिडर कर लेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे। उसका जो स्लोप है सेम dx अपॉन dt क्या शो करेगा, यानी वेलोसिटी को शो करेगा। सेम इसके लिए भी वेलोसिटी को, यानी कोई भी मोशन के लिए ऐसा एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसका जो पोजिशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या किसको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हमने देखा पोजिशन टाइम ग्राफ, अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी के टाइम के साथ। तो टाइम तो आएगा नीचे ही एक्स एक्सिस पर, और जो वाई एक्सिस है उस पर कौन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला है इसमें यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, या फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट बनी रहे। यहाँ पर हमने देखा है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। टाइम में तो चेंज आ रहा है बट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर चेंज आ भी रहा है तो कैसा है, यूनिफॉर्म है। ओके okay? अब इसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए सेम क्या निकालते हैं, एक्स टाइप के ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। यानी कि जो ए बी सी डी, अगर हमें कोई भी टाइम इंटरवल दे रखा है, या T1 T2 इंटरवल के लिए अगर हमसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो क्या करेंगे वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी को क्या कर देंगे टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो है वो किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। अब जो नेक्स्ट मोशन है वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी अब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले चेंज नहीं आ रहा था, अब चेंज आ रहा है। अब आ रहा है तो इसके पास स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी, ये सेम जो हमने उसके लिए बनाया था पोजिशन टाइम ग्राफ के लिए सेम ही ग्राफ है, बट यहाँ पर क्या है अभी वेलोसिटी है, तो स्टार्टिंग में उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तो वो होगी वी नॉट, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब हमें वही क्वेश्चन में क्या मेंशन करेगा, वो दो टाइम मेंशन करेगा या दो वेलोसिटी मेंशन करेगा, यानी जिसके लिए हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब इसका जो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, इसका ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगा। तो टेन थीटा इक्वल टू वही v2 - v1, v क्या था वेलोसिटी, इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमें वेक्टर, तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है तो उसका जो स्लोप है वो क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, यानी उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में सेम चीज एक और हम इसी ग्राफ से और क्या डिफाइन कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, वही सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका हम क्या निकालें, एरिया अंडर कर्व। इस ए जो ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ, इस ए भी ग्राफ के लिए हम क्या डिफाइन कर ले, एरिया, एरिया अंडर कर्व, यानी टी जो एक्सिस है वो जो कर्व है इससे टी एक्सिस पर लास्ट जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया का हम मतलब इस एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते तो हमें क्या मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब वो कैसे निकलेगी, ये जो अब ये क्या शेप बन रहा है, ये बन रहा है एक ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो डिफरेंस हो गया उनके बीच में OD, OD या AC ले सकते हैं, और OA और BD जो है वो क्या होगी, पैरेलल साइड होगी इस ट्रेपीजियम के लिए। तो OA जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में जो उसके पास वेलोसिटी है, हमने जो भी ऑब्जेक्ट अगर रिलीज किया है तो स्टार्टिंग में उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी, ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट प्लस बीडी, बीडी कौन सी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, यही वेलोसिटी में जितना इंक्रीमेंट हुआ था जिस टाइम इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए, सपोज मैं 2 सेकंड के लिए बात करूं तो 2 सेकंड में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हो गई वी, और तो और मल्टीप्लाई ओडी, ओडी क्या था, ओडी हो गया हमारा टाइम इंटू टाइम। ये जो फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया ये, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो ये क्या शो करेगा,
नहीं, डुवेलिटी टाइम ग्राफ है इसका। अगर हम एरिया निकाले, एरिया अंडर कर्व निकाले, तो वो क्या शो करेगा? डिस्टेंस को शो करेगा उस टाइम इंटरवल के लिए। तो ये हमने इसके ग्राफ देख लिए। अब कुछ और टाइप के ग्राफ भी होते हैं इसके अंदर, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उनसे क्या हम न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।